ग्वालियर में सावन के पहले सोमवार को अचलेश्वर महादेव के मंदिर में पूरा दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। भक्तों ने अचलेश्वर महादेव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। कहाँ रहते हैं आप? ये आप बाबा के दरबार में आए हो, सावन का उपास रखते हो क्या? अच्छा, कितने वर्षों से आ रहे हो? अच्छा, यहाँ को क्या मान्यता है? कुछ आपकी एकाध मनोकामना पूर्ण हुई है? लगी हुई है, कोशिश में लगी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ रहते हैं आप? एकता कॉलोनी में। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? ट्वेल्थ में। आप उपास हैं यहाँ? उपास है। बाबा से कुछ मांगा आपने? बस पढ़ोगे तभी तो पास हो गया। थैंक यू बेटा। आज सावन का सोमवार है, क्या आपने उपास रखा है? कुछ मन्नतें मांगी आपने? और यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हो? अच्छा, आज सावन का सोमवार बाबा के दर्शन करने आए हो? जी जी। कहाँ रहते हैं आप? नागा चंदनी गली नंबर एक। कितने वर्षों से आ रहे हो? लगातार 3 वर्षों से आ रहा हूँ। आपने कुछ मन्नतें मांगी हैं? हाँ, पूरी हुई है। कृपा है, लेकिन मन्नत बुराई नहीं जाती इसलिए। अच्छा, आज उपवास रखा है आपने? जी। वेरी गुड। और आप क्या मन्नत मांगी है? अब बाबा जी के और मेरी पर्सनल बात है, जो है बस कृपा बनी रहे बाबा जी। मीडिया शेयर करो ना आपको। नहीं सर, अंकल जी बस बाबा जी कृपा। यूपी में महिलाओं के साथ अत्याचार की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला बांदा से सामने आया है, जहां एक दलित नाबालिग किशोरी को पड़ोसी गांव के दबंग रात के अंधेरे में नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर ले गए और पूरे 51 दिनों तक लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देते रहे। आरोपियों ने पीड़िता को शारीरिक यातना भी पहुंचाते हुए उसके हाथों में चाकू से घाव भी कर दिए। 51 दिनों के बाद परिजन किसी तरह पीड़िता को पंजाब के लुधियाना से आरोपी के चंगुल से छुड़वाकर बांदा लाए हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस का रवैया बेहद संवेदनशील रहा। संवेदनहीन नजर आया है। पुलिस ने इन 51 दिनों में लड़की को ढूंढने की जहमत तक नहीं उठाई और जब लड़की पीड़िता के परिजनों से लेकर वापस आए तो पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा ना दर्ज कर मामूली छेड़खानी में ही मामला दर्ज कर लिया। दबाव पड़ता देख आज पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है। क्या मामला है, क्या कार्रवाई? ये माटा ग्राम है, तिनवारी थाना के रहें। एक नाबालिग बच्ची ने एप्लीकेशन दिया था इस संबंध में, जिसको घर से कुछ लोग उसको उठा के ले गए थे और उसके साथ जो भी उसने घटना हुई है उसको पूरा बताया है। बच्ची नाबालिग है तो खूबसूरत लगा के हम जितनी भी समय धारा है किसी की बच्ची थी उनके तहत मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। तभी पूरा न्यायालय में बयान करवाने के बाद समय कार्रवाई और अभी गिरफ्तारी इत्यादि पुलिस के द्वारा की जाएगी। पुलिस के द्वारा सक्रियता पूर्वक कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी करने की सुबह की जाएगी। क्या हुआ है, क्या जानकारी है आपको? हमारे बहन को नहीं, तिराही का एक लड़का ने मान लो अपहरण कर लिया था। हम तिनवाई थाने में रिपोर्ट FIR लिखाया था, नहीं तो मान लो यहाँ से नहीं उसको नहीं बलि कर दिया, रिमांड में लिया नहीं गया लड़के को, उसको छान दिया गया। हमने जासूस लगाते लगाते पता करते करते मान लो बहुत जगह हमने पता किया। इसके बाद में हमको नहीं मान लो हरियाणा में, वो हरियाणा का लुधियाना में नहीं हमको लड़की मिली। डाड़ा गांव पड़ता है, वहाँ पे जंगल में नहीं पानी फैक्ट्री है, पंचलाइन फैक्ट्री, तो वहाँ पे हमने बहन को अपने पकड़ा। बहन को हमारी मारता था, चाकू भी मार दिया था, नहीं उससे कहता था तुम किसी को कंपनी बताओगे नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो उसने हमारी बहन ने किसी को बताया नहीं। इस बताने के बाद में नहीं वो सोचते थे मेरे भाई आएंगे एक दिन बाद मुझे लिए आ जाएंगे। फिर हमने वहाँ पे नहीं पता करते कर पहुँच गए। जब पहुँच गए तो अपनी बहन को हम लेके आए तो यहाँ पे हमारी बहन ने बयान दिया नहीं, मुझे अपहरण कर लिया गया था। मतलब पानी भरने गई थी नल पे नहीं तो उसी समय पे नहीं उसको कोई सुंघा दिया था तो मान लो हो गया था। अब उसके आगे नहीं उसकी बयान ले सकता, हमारे थाने पे मान लो कोई सुनाई नहीं हो। कैसे ले गए थे आपकी बहन को? कुछ सुंघा के नहीं, मान लो रुमाल से ऐसे मुँह दाब दिया था, ले गए थे रुमाल से सुंघा कर उसको ले गए थे। दो लोग थे कह रहे गाड़ी में नहीं, एक लोग मुझे बीच में बैठा था, एक ड्राइवर था, मान लो ले गए थे। कितने दिन रखा बहन को? उसको बहन को हमारे 3 दिन रखा नहीं, वो 6 दिन रखा नहीं चौली में।
छः दिन निचौली में रखा, इसके बाद लड़का यहीं था, उसको हमने पकड़ाया भी तो वहाँ से नहीं, रिमांड में नहीं लिया गया लड़के को, छान दिया गया लड़के को। छानने के बाद में नहीं हम लोग पता भी बहुत किया नहीं, फिर इसके बाद में हमको वहीं मिले जाके। टोटल कितने दिन आपकी बहन वहाँ रही? 6 दिन वहाँ रही, 19 दिन वहाँ रही कंपनी में लुधियाना पूरा। हाँ पूरा 41 दिन मान लो हो गया था, 41 दिन हो गए थे हमारी बहन को लेपता हो गए। तो यहाँ आप थाने बहन को लेके गए? थाने बहन को कहाँ लेके गए, अब जब बहन ही नहीं हमारे पास में तो इधर पे अभी जब लेके आए, जब बहन को थाने लेके गए थे कोई इसकी सुनाई नहीं हमारी हो रही है। क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही सर, मान लो उन लोगों ने पैसा वैसा दे दिया है, हम लोग गरीब हैं आदमी है, छोटा लोग है, इसलिए हम लोगों को सुनाई नहीं हो रही है। हाँ दलित आदमी है मतलब छोटा लोग मान लो, इसलिए हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कौन सा गांव है? हमारा गांव माटा है सर। ये कौन सा गांव है और क्या घटना हुई है? ये माटा ग्राम है, जिला बांदा है, जनपद चंदवारी है। क्या हुआ? ये घटना हो गई हमारी लड़की को 8:30 बजे तिरही का एक लड़का ले गया। बाद में हमको जानकारी मिली कि तिरही का लड़का ले गया, तो हम उसके पास गए तो उसका नंबर दिया दरोगा जी को और उसको पकड़वाया। तो दरोगा जी ने पूछताछ करके उसको छोड़ दिया, कहा ये लोग ये आदमी नहीं कर सकता है क्योंकि मौके में। फिर इसके बाद में हम खोज लगाते लगाते हमारे लड़के ने गए वहाँ लुधियाना में, वहाँ लड़की को पकड़ा और लड़कों को भी पकड़ा, वहाँ से लेके आए और दरोगा जी के सामने अरेस्ट कर दिया। दरोगा जी ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया, उसको चुपचाप बंद कर लिया और बस हमको भगा दिया। लड़की क्या कह क्या बताया? कि हमारी घर आई तो पूरी दास्तान बताया, तब हमने मतलब उसको रिपोर्ट लिखवा करके दरोगा जी को दिया, तो दरोगा जी ने रख लिया और कह रहा है कि ये सब गलत है और तुम सही मीटर नहीं लिख के लाए। तो हमने कहा सर जो मीटर लिख के लाए उसको तुमको मानना पड़ेगा क्योंकि हमारी लड़की बता रही है, चाहे उससे बयान भी ले लीजिए। क्या क्या किया है लड़की के साथ में उसने? उसने लड़की तब वो लड़की 5 दिन तक उसको रखे रहा, बलात्कार किया और मतलब उसको मारा पीटा और सब उसकी दशा बिगाड़ दी। आप क्या चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं सर कि आप योगी मोदी से हमें फैसला मिलना चाहिए और हम गरीब आदमी क्या हम दलित हो गए गरीब आदमी तो हमारी इंसाफ नहीं मिलेगी। हम आप इन्हें अनुरोध करते हैं कि हमको मिलना चाहिए सर, हमारा फैसला चाहिए। आपको कैसे ले गए थे यहाँ घर से? मैं सब्जी बना रही थी और मैं सब्जी बना के मुझे बाथरूम लगी थी तो मैं बाहर गई, गर्मी भी थी, लाइट वेट तो ही नहीं, मैं बाहर गई बाथरूम किया और बाथरूम करके वो लोग दो लोग मोटरसाइकिल में गोला से घूम कर आए और फिर बाद में ही उन्होंने खड़ी कर दी गाड़ी, एक आदमी मुँह ढके हुए था एक नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं पापा कहाँ हैं, तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं वहाँ से नहीं वापसी आने लगी, पीछे से मेरा रुमाल से मुँह दाब लिया, फिर मुझे कोई होश नहीं, वो मुझे कहाँ को लेकर गए हैं कैसे लेकर गए हैं। कितने लोग थे? 2 लोग थे मोटरसाइकिल में। आपको यहाँ से लेकर कहाँ गए? ये मुझे यहाँ से लेकर गए हैं सिचौली, सुबह मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को सिचौली में पाया जहाँ इसकी बहन भी आई है। फिर बाद में नहीं वहाँ मुझे मारा, मैंने कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, उन्होंने कहा कि घर नहीं जाना है, अगर जाएगी तो तुझे जान से ही मार देंगे, तू जा नहीं पाएगी। मुझे तारा के भीतर बंद कर दिया नहीं और खाना वाना कुछ दे ही नहीं रहे थे और फिर बाद में मुझे मार रहे थे। फिर 6 दिन मुझे वहाँ बंद करके रखा, ये यहाँ पे आ गया नहीं सबूत बन के। और फिर बाद में वहाँ मुझे ज़बरदस्ती उसकी बहन ने मेरा श्रृंगार किया, मांग में सिंदूर भरा, माला पहनाया और फिर बाद में नहीं जब ये यहाँ से गया फिर ये मुझे वहाँ लुधियाना ले गया नहीं। फिर वहाँ मुझसे वहाँ क्या किया आपके साथ, मारपीट और कुछ किया? मारता था मुझे, वहाँ काम भी करवाता था मेरे से नहीं और गाली वाली भी रोज देता था, नॉर्मल किया नहीं मेरे साथ नहीं, गलत काम भी किया नहीं, बलात्कार किया? हाँ बलात्कार भी किया मेरे साथ नहीं। और फिर बाद में मुझे मैंने एक बार भागने की कोशिश की तो मुझे 2-3 झापड़ मारा, वहाँ से पकड़ के ले आया। फिर एक बार मैंने कहा मुझे घर वालों की याद आ रही है मुझे छोड़ दो नहीं, तो मेरे हाथ में चाकू मार दिया नहीं। और ये कौन है आप जानते हो उसको जो ये लड़का है? हाँ ये कहते हैं तेरा ही का है, राम लखन नाम है।
कौन कौन है ये यादव? हाँ यादव हैं। और फिर बाद में भी उसने मुझे कहा कि अगर किसी से बताएगी यहाँ पे तो तुझे जान से मार दूंगा, नहीं इसलिए मैं डर के जैसे मैंने किसी से नहीं बताया। कितने दिन टोटल रखा आप वहाँ? मुझे टोटल वही 1 महीना और 20 दिन रखा वहाँ पे नहीं। और फिर बाद में भी वहाँ के लोग पूछा क्या हुआ प्रीति, वहाँ मेरा नाम प्रीति रख दिया था। तो फिर बाद में नहीं वहाँ मेरा हर जगह मेरा प्रीति चलता था नहीं। और फिर बाद में नहीं उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ प्रीति, मैंने कह दिया कि मैं गुस्से में चाकू मार लिया है, वो ब्लेड मार लिया है। फिर बाद में नहीं बताया कि मेरे इसने चाकू मार दिया है, इसने मुझे कह दिया था कि बताएगी तो तुझे जान से मार दूंगा, नहीं मैंने ये नहीं बताया नहीं। और फिर बाद में मेरे भैया लोग जब गए मुझे यहाँ से वहाँ से लेकर आए नहीं, मैंने भैया लोगों से बताई अपनी पूरी बात। गंगापुर सिटी की बात करते हैं जहाँ पर ग्राम पंचायत महू कला में भू माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद है। भू माफियाओं द्वारा कच्चा शमशान की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। बता दें कि जहां जेसीबी द्वारा खुदाई कर नए निर्माण के रूप में अतिक्रमण किया जा रहा है, इतना ही नहीं यहां से अवैध कॉलोनियों के लिए रास्ता भी निकाला जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि भू माफिया अपनी जमीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए शमशान की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और शमशान की भूमि पर अतिक्रमण कर उसे हड़पाना चाहते हैं। भू माफियाओं की इस हरकत के बाद पूरे गाँव में रोष उत्पन्न है। क्या इसमें सत्यता कितनी है आप बताएंगे? इसमें सत्यता ये है कि मैं डिकोलिया जी की बात से एक बात से सहमत हूँ। इन्होंने जो 42 एकड़ जमीन जो परचेज की है वो इनको नाप के उपलब्ध कराई जाए, और इनकी 42 एकड़ जमीन अगर इनको उपलब्ध होती है प्रशासन द्वारा नापने के बाद, तो ग्रामीणों को इनकी जमीन से कोई मतलब नहीं है, 42 एकड़ से कोई लेना देना नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर 42 एकड़ के बाहर इनकी अगर जमीन निकलती है तो वो जमीन आम रास्ते में या शमशान भूमि में ही जाएगी। सर ये जो आज आम जनता महुकला की जो इकट्ठी हुई है यहाँ पर, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये लोग कहते हैं कि हमने कानून को अवगत कराया है और पटवारी जी भी यहाँ पर नापरेखा देखे गए हैं, उसके बावजूद ये काम हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? गिरदार साहब की अध्यक्षता में इसको नाप चुके हैं जी, और अगर दोबारा नपवाना चाहते हैं दोबारा नाप देंगे। इनका कहना है कि ये शिशु शमशान भूमि है और सातों जातों की भूमि है, नहीं है। इनका कहना है ये सब लोग पूरी बस्ती आपके सामने खड़ी है। वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि बनाए रखे, वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये जो पूरी बस्ती है इन्होंने कैसे कहा है कि ये शिशु शमशान भूमि पर? पहले कभी गढ़ते होंगे पर फिलहाल वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदारी है। अच्छा वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदारी है, तो आपने इस जमीन का सीमा ज्ञान किया? कितनी जमीन का सीमा ज्ञान किया आपने? 17 नंबर 300 कितना है? 391 तो दोनों खसरा नंबर में आपने कितनी जमीन है नाम से? वो तो वो लगा के नापी है, जरी डाली आपने? हाँ नक्शे में फीता डाल के किए। नहीं फीता डाली या जरी डाली आपने? फीता डाला। फीता डालने में आपने कितने एयर जमीन नाप के पार्टी को सुपुर्द करवाई थी? जो खसरा नंबर 319 और 595 था उसकी लेंथ नापी है, लंबाई लेंथ उसकी कितनी लेंथ बैठ रही है भाई? मेरे को जान नहीं तो मैं ध्यान रख दो ये क्या ध्यान आता है आपने तो आपने नापी नहीं। हमारे पास में खड़े हैं ब्रजलाल जी डिकोलिया और वे मऊकला ग्राम के सरपंच, सरपंच जी बोल सकते हैं? सरपंच थोड़ी सरपंच प्रतिनिधि बोल, हाँ सरपंच प्रतिनिधि सर दोबारा लेनी पड़ेगी। शाहजहापुर में गुटखा एजेंसी कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने जाम लगा दिया। दरअसल एजेंसी स्वामी अवन सक्सेना को जिला अस्पताल में मृत अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। रिपोर्ट दर्ज न होने पर परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद अवन के शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर कई थानों के पुलिस फोर्स सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद 4 लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
जिसके बाद करीब 4 घंटे बाद जाम को खुलवा दिया गया। सन्नी राठौर क्या काम करते हैं? सुपरवाइजर पोस्ट पे था। अभी कल के दिन 2:30 बजे वो घर से सन्नी राठौर घर से मेरे बुला के ले गया। उसके बाद में अपने चिनौर वाले मकान पे ले गया। उसके बाद हमें 6 बजे सूचना मिली है कि इसकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब मैं 6:30 बजे पहुंचा मैं वहाँ पर तो पता लगा उसको शव मर्चरी में रखा मिला और वहाँ पर ना कोई भी बंदा नहीं था। सन्नी राठौर के यहाँ एक लड़का काम करता है पसंद, उसने शव को वहाँ रख के वो छोड़ के चले गए। सन्नी राठौर, पिताजी दिनेश राठौर, छोटा भाई अजय राठौर, तीनों ने मिलके अपने चिनौर वाले घर पे मेरे भाई का मर्डर करा है। अच्छा, 3 घाव यहाँ पर है, ठीक है, हाथ तोड़ा है, उंगली काटी है, उसके बाद में पूरे सर में छोटे पूरे शरीर में निशान है। उसके बाद में इन्होंने वहाँ खबर सारे शरीर की हड्डी टूटी हुई है और अभी तक कोई सूचना उनके द्वारा नहीं आई है और सबके सब फरार हैं। आपको जो सूचना मिली आपको जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फैक्ट्री संचालक के कई साथी मौके से फरार हो गए। आज ही रात में जहांगीराबाद पुलिस को भी सफलता प्राप्त हुई, जिसके तहत जहांगीराबाद इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहे थे। अचानक सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल वाले रुके नहीं और फिर मुठभेड़ हुई, उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस के ऊपर। पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हुआ। घायल बदमाश का नाम धर्मपाल है और धर्मपाल के कब्जे से 6 तमंचे बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि वो शस्त्र फैक्ट्री का संचालक है। उसकी निशानदेही पर उसके घर से शस्त्र फैक्ट्री के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं, अदम्य तमंचे बरामद हुए हैं। उसका एक आपराधिक इतिहास है, पहले से उसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और दूसरे अभियुक्त की तलाश भी की जा रही है। जहांगीराबाद के डिबाई इलाके में राम सिंह प्रेमलता कन्या इंटर कॉलेज में भीषण गर्मी के चलते 18 छात्राएं बेहोश हो गई। वहीं मौके पर कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद बेहोश छात्राओं को ऑटो के जरिए उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी अव्यवस्थाओं के आरोप लगे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कॉलेज में पंखे ही नहीं है।